Hello everyone, how are you all my dear friend? I hope dear friend you all are fine and well. I see my your mathematics teacher. Today I want to teach you our new topic adding and subtracting money. Dear student, आज का जो हमारा topic है वो क्या है, हम money को कैसे add करते हैं और subtract करते हैं. Last classes में हमने money के बारे में अच्छे से जान लिया है, हमें money की पहचान भी हो गई है कि कौन सा coin कितने का coin है और कौन सा note कौन सी money का note. ओके डियर स्टूडेंट, आज हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे 13.3. कौन सी एक्सरसाइज कंप्लीट करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट? 13.3 एक्सरसाइज आज हम करेंगे. उससे पहले हम देखेंगे यहाँ कुछ आइटम्स मैंने ड्रा की हैं और उन आइटम्स के आपको यहाँ पर रेट भी दिखाई दे रहे होंगे. सबसे पहले है कैरियोन्स है डियर स्टूडेंट, जिनकी रेट क्या है 19 रुपीज. नेक्स्ट है ड्रम है, ड्रम का रेट क्या है 59 रुपीज. बॉल का रेट क्या है 37. जो एक टॉय कार है उसका रेट क्या है 76 रुपीज. स्टिकर्स का रेट क्या है 49. एंड जो मास्क है उसका रेट क्या है 43 रुपीज. अब ये स्टूडेंट, अब हमारी बुक के अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको अब हम सॉल्व करेंगे. यू ऑल आर ओपन योर मैथ बुक ऑन पेज नंबर 173. अब आप सब अपनी बुक ओपन करेंगे पेज नंबर 173. सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे. मोंटी बॉट ए बॉक्स ऑफ कैरियंस. मोंटी ने क्या किया है, एक बॉक्स किसका परचेज किया है, कैरियंस का परचेज किया है. एंड अ बिगी कार, और ये क्या खरीदी उसने, एक कार उसने खरीदी है. हाउ मच डिड ही स्पेंड, अब उसने कितने रुपए दोनों आइटम्स पर क्या कर दिए, स्पेंड कर दिए. सबसे पहले हम देखेंगे उसने क्या खरीदा है, उसने खरीदा है कैरियंस. सबसे पहले हम कैरियंस का रेट देखेंगे क्या है ₹19. कैरियंस कितने के हैं ₹19. और नेक्स्ट उसने क्या खरीदी है, कार खरीदी है, कार का रेट कितना है 76. नेक्स्ट क्या है ₹76. और अब हमें इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है. हमें कैसे पता लगा कि हमें ऐड करना है, क्योंकि उसने लिखा है हाउ मच डिड ही स्पेंड, उसने टोटल कितने रुपए यहाँ पर क्या कर दिए हैं, खर्च कर दिए हैं. तो डियर स्टूडेंट, अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे. 9 और 6 को हम अपने फिंगर्स पे काउंट करेंगे और आप सब मुझे जल्दी से बताएंगे 6 और 9 को ऐड करने पर हमें क्या मिलता है. यस डियर स्टूडेंट, 15. क्या मैं इधर डायरेक्ट 15 राइट आउट कर दूं? आपने एडिशन किया है ना, जब आप सेकंड क्लास कंटिन्यू किया आपने, तो सबसे पहले आपने एडिशन के क्वेश्चंस भी किए होंगे. अब आप जल्दी से मुझे बताएंगे क्या मैं यहां 15 राइट डाउन कर दूं, ऐसे ये ठीक है या गलत है? रॉन्ग. क्या कहेंगे, ये गलत है. जब भी हमारे टू डिजिट में आंसर आता है तो हम यहाँ सिर्फ वंस प्लेस के डिजिट को ही राइट डाउन करेंगे. जो टेंथ प्लेस पर डिजिट होगा वो हमारी क्या बन जाती है, कैरी बन जाती है. क्या बन जाती है डियर स्टूडेंट, कैरी. अब 7 और 1 8. क्या मैं यहाँ 8 राइट डाउन करूँ या फिर कैरी को भी ऐड करूँ? यस डियर स्टूडेंट, यहाँ हम कैरी को भी ऐड करेंगे. 7 और 1 8 और 1 9. तो जो क्या नाम है, मोंटी, मोंटी ने जो दोनों आइटम्स परचेज किए हैं उसका टोटल रेट क्या हो गया ₹95. नेक्स्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट, अरुण हैड ₹62. आपको स्कूल बच्चा है, उसके पास कितने रुपीज है 62. ही बोट अ ड्रम, वो क्या खरीद रहा है, ड्रम खरीद रहा है. हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम, ड्रम खरीदने के बाद उसके पास कितने रुपए बच जाएंगे. लेफ्ट यानी कि बचना, लेफ्ट मैंने कि बचना, कि मेरे पास 62 रुपीज है, मैंने ड्रम परचेज कर लिया जो मुझे मिला है 59 रुपीज का, तो बताना है कि मेरे पास कितने रुपीज जो है लेफ्ट रह गए हैं. आप देखेंगे रुपीज की
मोहित बोट ए स्टिकर शीट, मोहित ने एक स्टिकर शीट परचेज की है जो कि ये है। ही गेव रुपीज 50, उसने दुकानदार को कितने रुपीज दिए हैं? 50। स्टिकर शीट की रेट क्या है? 49। हम देखेंगे हमारी बुक में भी हमें मेंशन किए गए हैं ये रेट। हम देखेंगे कि स्टिकर शीट का जो रेट है वो क्या है, 49 रुपीज है। और मोहित ने पैसे कितने दिए शॉपकीपर को? 50 रुपीज दिए हैं। अब वो हमसे पूछ क्या रहा है वो लास्ट रेट में हमें पता लगेगा। हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक, उसको कितनी मनी वापस मिलेगी? यहाँ पर शॉपकीपर मोहित को कितनी मनी बैक करेगा? तो कितने रुपए दिए थे उसने? 50। 50 में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है? स्टिकर का रेट जो कि कितना है? 49। अब हम 50 में से 49 को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या बेटा हम 0 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नो। अभी हमें यहाँ किसकी जरूरत पड़ने वाली है? अभी हमें फिर से यहाँ बोरो लेना होगा। अब बोरो कौन देगा? 5। 5 में 0 को बोरो दिया तो वो क्या बन गया? 10। और 5 क्या बन गया? 4। 10 में से जब हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनने वाला है? 1। और 4 में से 4 को 0। तो मोहित को कितने रुपए वापस मिले? रुपीज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोहन बोट ए स्टिकर शीट, मोहन ने एक स्टिकर शीट ली है। डैमी बोट अ बॉल, दामिनी ने क्या लिया है? एक बॉल ली है। मोहन और दामिनी ने अपनी अपनी चीजें क्या कर ली? सिलेक्ट कर ली हैं। हु स्पेंड मोर एंड बाय हाउ मच, इन दोनों में से किसने ज्यादा रुपए खर्च किए? अब सबसे पहले देखते हैं मोहन ने क्या ली है, स्टिकर शीट 49 की है। और दामिनी ने क्या ली है? बॉल 37 की। ज्यादा रुपीज तो पॉसिबली हमें पता लग रही है कि किसने ज्यादा पैसे वेस्ट किए हैं, वो किसने किए हैं? मोहन ने किए हैं। और जो दामिनी है उसका रेट क्या है? 37 है। तो अब हमें ये बताना है कि मोहन ने दामिनी से कितने रुपए ज्यादा यूज किए हैं। अब सबसे पहले हम मोहन की कॉस्ट की थी कि क्या है, रुपीज 49, और दामिनी की क्या है, रुपीज 37। हमें करना क्या है? सब्ट्रैक्ट 9 में से 7। अब 9 ग्रेटर है, 7 स्मॉलर है, तो 9 में से जब हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? 2। और 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 1। वेरी गुड डियर फ्रेंड्स, जब हमने दोनों की आइटम्स के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट किया है तो वो क्या है, रुपीज 12। और रुपीज 12 किसने ज्यादा खर्च किए हैं? मोहन ने। किसने किए हैं डियर फ्रेंड? मोहन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जेम्स वॉच अ लॉइन मास एंड ए बॉल, जेम्स ने क्या किया है, एक लॉइन मास परचेज किया है और एक बॉल परचेज की है। हाउ मच मनी डिड ही पे, अब वो पूछ रहे हैं कि जेम्स ने टोटल कितने रुपए क्या किए, खर्च किए हैं। अब सबसे पहले उसने एक लॉइन मास परचेज किया है जिसकी कॉस्ट क्या है, रुपीज 43। नेक्स्ट आइटम उसने क्या परचेज किया, एक बॉल, और बॉल की कॉस्ट क्या है, रुपीज 37। और हमें पता है क्या कि जेम्स ने जो दोनों आइटम्स परचेज की हैं उनकी कॉस्ट क्या है। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सबसे पहले कॉस्ट हम लिखेंगे हमारे लॉइन मास की जो कि क्या है, रुपीज 43। नेक्स्ट उसने बॉल परचेज की है, बॉल की कॉस्ट क्या है, रुपीज 37। और वो हमसे पूछ क्या रहे हैं कि उसने टोटल कितनी मनी दोनों आइटम्स पर स्पेंड की है, यानी कि अब हमें दोनों को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। लेट्स स्टार्ट 7 and 3 10। 10 की हम यहाँ क्या लगाएंगे, 0। 1 क्या बन गई थी स्टूडेंट हमारी, कैरी। 4 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या बन गया, 7। 7 में जब हम 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 8। जेम्स जो है उसने टोटल मनी जो स्पेंड की है वो क्या है, रुपीज 80। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आप सबको ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लास में शेयर करेंगे। जय हिंद एवरीवन, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।